आ जाने देते हैं सभी को। बिल्कुल चलिए प्रारंभ करते हैं, जो आते जाएंगे उनको जोड़ते जाएंगे साथ में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी समझौता है उसकी महत्वपूर्ण बातें आप कल याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कब हुआ था, उसके 60 साल पिछले वर्ष पूरे हुए हैं, उससे सावधान रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है। उस पर यदि प्रश्न आता है तो आपको तैयार रहना चाहिए। कौन कौन से मुख्य ऐसे डैम्स हैं और कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है, उनका उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे। सिंधु घाटी के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, वो थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो है या पाकिस्तान चाहे तो उस समझौते से जो है वो एक पक्षीय रूप से निकल नहीं सकते, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाहे जितना देखिए लिखा हुआ है कि चाहे जितना भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो जो कटु हो जाए, लेकिन जो है ये इसीलिए आज तक ये बनी भी हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इस प्रकार से कन्वेंशन के रूल्स इसी प्रकार के हैं। फिर एक और बात है जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारत वैसे भी, एक तो ये है कि इसमें मजबूरी है, थोड़ी सी व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय जो सिद्धांत है उसके खिलाफ हो जाएगा निकल जाना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको जाननी चाहिए ये कि अगर भारत इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ ऐसा भारत ने किया तो दो और जगहें ऐसी हैं जहां पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पहली बात ये कि हमारे जो बाकी जो राष्ट्र हैं पड़ोसी देश जिनमें हमारे यहाँ से पानी जाता है, तो उसमें अननेसेसरी का एक अलार्म हो जाएगा कि ये तो बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा गिर गया, हमारे साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारा भी पानी भारत रोक दे, नंबर एक। नंबर दो, फिर दिक्कत एक और आएगी कि चाइना भी, फिर वही चीज, चाइना का स्ट्रांग हो जाएगा, चाइना को एक मॉरल ग्राउंड मिल जाएगा, नैतिक एक उसको बल मिल जाएगा कि जब तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकते, इस तरह की स्थिति भी आ जाएगी, ठीक है। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, प्रकृति की कृपा है भारत के ऊपर, चाइना जो है वो चाहे तो ब्रह्मपुत्र का बहुत ज्यादा पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि दरअसल ब्रह्मपुत्र अपने असली अवतार में आती तभी है, उसका जो पानी का असली सोर्स है और जो अपने वृहत रूप में आती ही तब है जब वो इस तरफ आ चुकी होती है चाइना की पहुंच से बाहर, तो वो एक दो जगह पर रोक भी लेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ विशेषज्ञ मानते हैं। लेकिन बात यह नहीं है, बात महत्वपूर्ण यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में थोड़ा मैसेज जो है वो संदेश जो है वो थोड़ा खराब जाता है। और अभी ऐसा रिस्क क्यों लेने का जब जितने भी आर्बिट्रेशन और जितने भी वर्ल्ड बैंक के सामने दरवाजा खटखटाया गया है तो भारत के पक्ष में फैसला होता रहा है, ठीक है, इस चीज को जाने रहिएगा। ये डोकलाम से संबंधित, डोकलाम जो इशू हुआ था उसमें क्या हुआ, याद रखिए कि भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी का जो मतलब जो ऊपरी उत्तरी भाग है जहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है वहां से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा यानी जल विज्ञान से संबंधित कुछ जो आंकड़े हैं उनको शेयर साझा करने का एक समझौता है हो रखा है, जिसके लिए भारत 1 करोड़ रुपया देता है हर साल, ठीक है। तो जो है जब डोकलम वाला चीज हुआ था तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो चाइना ने शेयर करना बंद कर दिया था, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई, जल संसाधन के बारे में अगर वहां हजारों किलोमीटर ऊपर की बात पता हो तो यहाँ पर हम अपने उस हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं, उसका महत्व है अपना, ठीक है। तो ये बात जाने रहिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, डिजास्टर ऑफ फ्लड पहले से जाना जा सकता है कि बाढ़ तो नहीं आ रही है, तेजी से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, कितना पानी छूट रहा है वहां से, ये सब अगर पहले से पता हो तो जो नीचे वाला देश है वो अच्छे से मैनेज कर सकता है। अच्छा जी, वापस अब मुख्य मुख्य नदियों पर आ जाते हैं, जल्दी से एक नजर खाली दौड़ा लीजिए और देख लीजिए, मैं नहीं चाहता बहुत समय अधिक बर्बाद हो। जो इंडस रिवर है उसके बारे में फटाफट इस चीज को समझ लीजिए, इंडस जो सिंधु नदी है उसकी सबसे पहली बात जान लीजिए कि हमारे भारत में वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही होके जाती है, किसी और प्रदेश को पार नहीं करती है, तो आप देख ही रहे होंगे, रुकिए मैं कोशिश करता हूँ एक बार, हाँ इस लाल वाले रंग से प्रयास करते हैं। देखिए जो इंडस रिवर है ये चला रहा हूं मैं साथ साथ, आप देखते जाइए,
दरअसल हाँ जम्मू कश्मीर से ही होके जा रहा है और किसी को टच नहीं कर रहा है, बात समझ गए? पहला डेटा हो गया, बहुत छोटा सा डेटा। अब आप देखिए उसकी कुल लंबाई में से ज्यादातर लंबाई तो उधर है पाकिस्तान की तरफ। डेटा नंबर दो हो गया कि 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जो लंबाई है इसकी, उसमें से 1100 जैसा ही भारत में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सब दिया हुआ एनसीईआरटी में, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी जान रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि पोखरचू करके जो यहाँ पर एरिया है तिब्बतन रीजन में, पोखरचू वहां से ये ओरिजिनेट करती है, वहां से इसका उद्गम होता है। कैलाश माउंटेन रेंज जानते हैं आप, कैलाश पर्वत सीरीज जो है, कैलाश पर्वत श्रृंखला है जो, उसमें से एक है, वहां से निकलता है और उसे सिंघी खम्बन बोलते हैं, वहां पर सिंघी खम्बन के नाम से जानी जाती है। फिर क्या होता है भाई कि लद्दाख और जास्कर माउंटेन सीरीज मालूम याद है आपको? रुकिए मैंने आपके लिए एक बनाया था, यस एक मैप और बनाया था सर, ताकि यस आपको एक्चुअली दिखा सर, सकूं, उसमें अगर मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो हाँ है, ये मेरे समय की एटलस है दोस्त, मुझे बहुत पसंद थी, मैंने संभाल के रखी 15 साल से, ये उसका फोटो मैं ले रहा था इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो ये जो एरिया है मैं आपको बस खाली दिखाऊंगा, आप देखते जाइए, बहुत ज्यादा आंख गड़ा कर देखने का प्रयास मत कीजिएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सिंधु नदी चलती है वो आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालयाज में तीन जो है, तीन रेंजेस है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है कि नहीं? यस तीन सर, जो है यस टोटल वो सर, बनते हैं, ठीक है। तो जो जी जो सर, भी बीच में जो ये पड़ता है, खाई पड़ता है ना, ये जो रास्ता दोनों के बीच में जो इलाका पड़ता है लद्दाख और जास्कर, इन्हीं दोनों से होकर ये जो है वो बहती है, याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर सिंधु नदी जो है वो बहती है और पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक है। अगली बात क्या जान सकते हैं इसके बारे में कि गिलगित जो एरिया है, मैं कोशिश करता हूं अगर दिख जाए, इसमें दिख जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा डल हो गया है दरअसल अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपके दूसरे वाले में दिख जाएगा। जो गिलगित इलाका है, गिलगित इलाके के पास एक बहुत ही गहरा खड्ड इस नदी ने जो है वो बनाया हुआ है, डीप गॉर्ज है वो गिलगित के पास है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंधु के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज जो है उसमें श्योक रिवर जो है, श्योक, ये थोड़ा कलर मुझे अलग कर देना चाहिए शायद, हाँ, श्योक रिवर के विषय में भी अभी जानते चलिए, अभी बताता हूँ क्यों ऐसा इसको बता रहा हूं। ये है श्योक रिवर, और ये श्योक रिवर जो है ये खुद सिंधु की जो है वो ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है, और श्योक की अपनी जो सहायक नदी है वो है नुब्रा, महत्वपूर्ण नदी है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी में से होकर बहती है। यह के ठीक ऊपर दोस्तों, इस बात को देखिए जरा ध्यान से, ये मैं आपको भी मैं उस वाले मैप में भी दिख जाए तो बहुत, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए जो नुब्रा वाला इलाका है, नुब्रा का जो ये इलाका है, ठीक है, नुब्रा घाटी जो आती है और आके फिर श्योक बन के इसमें मिलते हैं, इसमें बहुत साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए जो दिखाना चाह रहा हूं मैं, ये वो ये है सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर वो इसी इसी के ऊपर है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कृपया, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसी के ऊपर है, और कराकोरम तो आप जानते ही हैं, कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, सॉरी जास्कर, लद्दाख जाकर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु बह रही है, और उधर काराकोरम के ठीक नीचे सियाचिन जो ग्लेशियर है उससे नुब्रा वैली में से होते हुए श्योक नदी बनती है, और श्योक आके फिर जो है वो सिंधु घाटी में मिल जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर ये तो अब दो स्टेट में होकर बहेगी ना सिंधु नदी, मतलब कौन कौन से स्टेट में? सर लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हाँ, अब अगर आप उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि अब यूनियन टेरिटरी दोनों उसको बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ना ही है, बिल्कुल सही बात है, वो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, फिर इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको डिमार्केट कर लीजिए मैप पे, लेके नया जो मैप है उसमें लेके बैठ जाइए और देखिए सिंधु घाटी कितना पोर्शन जो है लद्दाख से होते हुए आ रहा है इस तरफ से, और कितना जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से सर, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। फिर और क्या महत्वपूर्ण बात बताई जा सकती है? नुब्रा, श्योक, गिलगित, जास्कर, ये सब उसकी सहायक नदियों के नाम है, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक सर ये है। ब्रह्मपुत्र की उल्टी ओर बहती है।
हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इससे थोड़ा सा यहाँ से सतलुज नीचे से निकल रहा है, देख ही रहे होंगे आप। एक मिनट, हाँ तीन तीनों ऐसे याद रखिए, और इसी से तो बल मिलता है जो हमने अभी पढ़ा था। देखिए यहां से, व्हाट इज हैपनिंग देयर, यहां से सिंधु निकल गई, यहां से सतलज निकल गई, ठीक है, और इधर से ब्रह्मपुत्र निकलेगी, ऐसे चली जाएगी उस तरफ, और वहां अरुणाचल प्रदेश के पास जाके घूम के नीचे फिर नामचा बरवा के पास से जो है वो नीचे वहां से भारत में जो है प्रवेश करेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसीलिए बात हो रही है कि हो ना हो पहले ये सारा कॉमन रिवर सिस्टम रहा होगा, फिर बीच में जो है जो उत्थान हुआ है उसकी वजह से अलग अलग जो है दिशा में चली गई सारी। तो इसलिए कहा था कि पहले इंडस और ब्रह्मपुत्र पूरा एक ही सिस्टम था, फिर ये बंट गया, इसके यहाँ पर जो उठान हुआ ना, ये वाला एरिया उठा जो, इसकी वजह से ये ऐसे टूट टूट के सब इधर उधर चले गए। इस जगह पर उठान हुआ, दिल्ली है, दिल्ली दिख ही रहा, यहाँ पे हुआ, यहाँ से फिर एक सिस्टम बन गया, सिंधु और उसकी पांच सहायक नदियां, मुख्य पांच सहायक नदियां, उसके नीचे गंगा, और उसके उस तरफ जो है यहाँ तिब्बत के उस तरफ जो है वो ब्रह्मपुत्र इधर चली गई, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में याद रखिएगा, पाकिस्तान में जब सिंधु नदी एंटर करती है, यहाँ पर दर्दिस्तान इलाका वो कहलाता है, दर्दिस्तान उस इलाके को कहते हैं। सब एनसीईआरटी का ही कंटेंट मैं बोल रहा हूँ, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण नदी जो सुलेमान रेंज से आती है, सुलेमान रेंज यानी अफगानिस्तान, ये काबुल का इलाका देख रहे हैं, इस तरफ काबुल है, वहां से सुलेमान रेंज से एक नदी आती है जो इसकी महत्वपूर्ण राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिने हाथ वाली, दाहिने घाट की तरफ से आने वाली जो ट्रिब्यूटरी है। देखिए सिंधु घाटी इस तरफ चल रही है ना, तो इसका दाहिना ये हुआ, तो काबुल नदी जो है, काबुल एक्चुअली एक नदी है, तो वहां से उससे वो एक महत्वपूर्ण नदी है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, काबुल नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एटॉक, ATOCK एटॉक करके जगह है जहां पर ये काबुल नदी आके इसको मिलती है। इसके बारे में बहुत और जानने की जरूरत नहीं, जल्दी से हम चले जाते हैं इसके पांच, वही अपने जो पांच महत्वपूर्ण इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लेने का प्रयास करते हैं। तो पांच, मैं सबसे पहली नदी बताता हूं, मैं उसी क्रम में बताते हैं, झेलम पहली नदी हो गई, झेलम। ठीक है, झेलम नदी को पहले देख लेते हैं, आप सभी लोग बने रहिए साथ में बस। झेलम कहां से निकलती है, कहां तक जाती है, और उसकी कोई मुख्य बात है वो नोट कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले झेलम हो गया, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं ताकि हम इसे जल्दी से खत्म कर सकें। नंबर एक, ये जो झेलम नदी है वो वेरीनाग, पीर पंजाल रेंज से, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालय जो है, हमने जो ऐसे ऐसे वाले भाग किए थे पश्चिम से पूर्व की तरफ वाले, उसमें पहला भाग आया था यही वाला। ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालय का जो पार्ट है, पीर पंजाल रेंज जो है, वहां से जो है ये झेलम नदी जो है वो उठती है। देख लीजिए हल्का सा दिख रहा है, मैं उसको, क्योंकि इमेजेस बहुत हाई क्वालिटी नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको। ये जो इलाका है श्रीनगर देख रहे हैं ना, श्रीनगर के ऊपर का जो इलाका है वहां से झेलम नदी निकल रही है, श्रीनगर झेलम नदी के ही किनारे बसा हुआ है, आप सब जानते ही हैं, वुलर झील वगैरह जो है वो सब भी इसी का हिस्सा, इसी के एरिया में आते हैं, और वहां से निकलकर फिर जो है झेलम वो जाके फिर उधर जाके मिलती है। ठीक है, जिस जगह पे झांग इलाका है, झांग करके इलाका है, JHANG पाकिस्तान में, जहां पर ये जाके फिर चेनाब, चेनाब नाम की नदी से ये मिल जाती है, झेलम जो है वो जाके चेनाब से फिर मिल जाती है, और चेनाब जो है वो फिर, इस पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, हाँ ये ऐसे ये हुआ, ये आते आते यहाँ पर ये जो क्रॉस मैंने बनाया इस जगह पे आके झेलम और चेनाब जो है वो आपस में मिल गए। चेनाब के बारे में ही जान रखिएगा, इन सभी पांचों में सिंधु की जो पांच सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी जो है वो चेनाब है, इस चीज को ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, और क्या बता सकता हूं मैं, हाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर एक बार कंफ्यूज कर चुका है यूपीएससी, इस चीज को याद रखिएगा कि चेनाब दरअसल खुद अपने आप अगर पीछे जाके देखा जाए, जल्दी से मैं देख लेते हैं इस वाले पार्ट को भी, चेनाब को पीछे ट्रेस कीजिए जरा, अगर ट्रेस करते चले जाए चलेगा, ये जो दो दो भाग इसके बन जा रहे हैं यहाँ और यहाँ, ये चंद्र और भागा नदियां हैं, चंद्र नदी और भागा नदी, इसीलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, चेनाब को ही जो चेनाब जो चंद्र और भागा के मिलने से बनती है इसीलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। केलोंग इलाका है, KEY केलोंग, केलोंग
इलाका है जहां पर तांडी तांडी नाम की जगह है, वहीं पर ये दोनों नदियां चंद्र और भागा आकर मिल जाती हैं और चेनाब का निर्माण होता है। ठीक है, लगभग 1200 किलोमीटर जैसा इसका विस्तार है और फिर वो जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। जल्दी से ध्यान रखेंगे, बहुत अधिक समय बर्बाद करने वाला नहीं है इस पर, क्योंकि मैप वर्क तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट है रावी। रावी के बारे में जाने रहिए कि रोहतांग पास, दो नदियां याद रखिएगा, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास ये दो नदियां रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा जो है वहां से निकलती है। ठीक है, रावी जहां से निकलती, रावी जो है वो कुल्लू, कुल्लू इलाका है ना, जो कुल्लू कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली सुना होगा आपने, वहां से, वहां रोहतांग पास है ऊपर जाके, वहां से निकलती है। और रावी जो है वो चंबा से होते हुए पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार जो पहाड़ियां हैं उनके बीच, सिंधु का क्या पढ़ा था हमने, लद्दाख और जास्कर के बीच होके बहती है। अभी हम रावी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में से होके बहती हुई जाती है, और ये भी जाके चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, रावी भी जाके आके चेनाब से, झेलम भी आके चेनाब से मिल जा रही है, रावी भी जाके चेनाब से मिल जा रही है। दोनों चीज देखिए, देखेंगे तो दिख ही जाएगा उसमें कौन सी बड़ी बात। ये देखिए रावी चली यहां से, ये चलते हैं और यहाँ आके चेनाब से मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान में हिस्सा है इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, लेकिन एक अच्छा थोड़ा सा क्रम याद कर लीजिए भाई, उत्तर से दक्षिण की तरफ की कौन सी नदी पहले मिल रही है कौन सी बाद में, तो अच्छा रहेगा। अगली अगली नदी है ब्यास, ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है और कुल्लू वैली में से होके बहती है, कुल्लू घाटी में से होके बहती है ये। ठीक है, बड़े बड़े इसमें जो है धौलाधार रेंज में से, तो धौलाधार जो पहाड़ियों का क्षेत्र है उसको काटते हुए जाती है, उसमें बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है, बड़े बड़े खड्ड बनाती है ये भी। और हरिके नाम की जगह पर, हरिके बैराज याद है, हरिके बैराज किसी को, हरिके बैराज कहाँ जिक्र आया था, भार मरुस्थल पढ़ रहे थे हम लोग, इंदिरा हाँ इंदिरा कैनाल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, गंगा। ठीक बात। तो हरिके बैराज के पास ही जाकर ये सतलज से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा रावी किससे मिल रही है, चेनाब से, चेनाब से रावी किससे मिली, चेनाब से जाके मिली। झेलम किससे मिला, चेनाब से जाके मिला, वो देख ही रहा है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, और जो ब्यास है ये देखिए ना, देखिए ना ब्यास, मैं अलग चेक रंग अलग कर देता हूँ आपके समझने के लिए, हरे रंग इसको हरा रंग या कोई और रंग इसको कर देते हैं, पीला रंग कर देते हैं। ये देखिए ब्यास को ट्रेस कीजिए, ये ब्यास चलती चली आ रही है, देखिए देखते जाइए, और सतलज से आके मिली, ये सतलज आ रही है। तो ये डिवीजन आपके दिमाग में एकदम तकड़े, आप पिक्चर देख लेना तो अच्छा रहेगा आपको, मैं ये आपको आपके लिए भी छोड़ सकता था कि आप अपने आप पढ़ लीजिए, लेकिन पिक्चर के साथ साथ करने से थोड़ा फायदा होता है ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लोग बताएंगे कि समय बर्बाद हो रहा है कि साफ इस्तेमाल हो रहा है, बाद में पता चलेगा। फिर सतलज है आखिरी, जो आखिरी बड़ी जो इसकी वो है अच्छा वो सतलज है। ठीक है, सतलज जो है वो दरअसल, सतलज जो मानसरोवर सुना आपने, मानसरोवर इलाका, कैलाश मानसरोवर यात्रा सुने होंगे, तो मानसरोवर जो झील है बड़ी सी, हाँ यस सर, उसके पास से ही राक्षस ताल, राक्षस ताल करके एक जगह है, वहां से सतलज निकलती है। ये देखिए सतलज जो है वो, हाँ ये सब पढ़े ही होंगे, बस एक बार क्या है कि पिक्चर आ जाती है तो बढ़िया से दिमाग में रहता है फिर ज्यादा समय तक। तो सतलज जो है वो निकल रही है यहाँ से राक्षसताल इलाके से, चलते चलते ये सॉरी ये है राक्षसताल इलाका, यहाँ से चलते चलते बहुत लंबा सफर, देखिए ना कितना लंबा सफर ये तय करती है भारत में, अगर देखिए काफी लंबा समय सफर जो है भारत में तय कर रही है। और क्या जान सकते हैं कि सिंधु जैसे जैसे जा रही है, देखिए क्योंकि तो दोनों यहां से ही निकले हैं, देखिए आसपास से ही, इस लेटीट्यूड से ही, तो सिंधु के लगभग ये पैरेलल ही देखिए ये बहती जाती है, ऐसे ही पैरेलल बहती बहती चली जाएगी नीचे तक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा यहां तक आके। और जो पंचनद इलाका है, पंचनद से ठीक पहले सतलज और चेनाब आपस में मिल जाते हैं, ये देख लीजिए, पंचनद से ठीक पहले ये इस इलाके में सतलज और चेनाब मिल गए, और फिर ये जो सतलज आगे आई वो यहाँ सिंधु से मिल गई पंचनद नाम की जगह पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे प्लीज। एक चीज और स्पेशल बता देना चाहता हूँ, शिपकिला करके एक पास है, अगर आप लोग पढ़े होंगे जो जिला शिपकिला, हाँ ये आप पढ़े होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे ही टाइम का मेरा हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए शिपकिला दर्रे से ही, देखिए ये सतलुज जो है ना, ये दरअसल सतलज ही है, देख रहे हैं जो आप, यहीं से वो एंटर करती है सतलज, शिपकिला दर्रे याद रखेंगे इस चीज को हमेशा। और कोई महत्वपूर्ण, हाँ भाखड़ा नांगल परियोजना है ना भाई, देख लीजिएगा
सतलज पर ही स्थित है, आप जानते हैं, वहीं उसी के कन्फ्लुएंस पर स्थित है, सतलज के भाखड़ा नगर, और गोविंद सागर बोलते हैं क्या उसको, शायद गोविंद सागर है ना, गोविंद सर, सागर यस सर, गोविंद जी, सागर। आप जरूर जल्दी से देख लीजिएगा, फिर फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, गंगा सिस्टम जल्दी से देख लीजिए, हल्की से एक नजर खाली गंगा सिस्टम देख लीजिए एक बार, आपकी नजरों से गुजर जाए सारा, अभी याद करने का प्रयोजन नहीं है कि आपको सब याद हो जाए, लेकिन एक बार नजरों से आपके गुजर जाए, विशेष रूप से जो जो चीजें न्यूज में रहती हैं, ये पांचों प्रयाग सब अब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग भाई, ठीक है। और मैं कहा किधर से ले चलूं आपको, चलिए बद्रीनाथ से चलते हैं, चारों धाम और पांचों प्रयाग, इसको ध्यान से देख लें आप लोग। हाँ तो चलिए भाई शुरू करते हैं, धौली गंगा से, इसे अलकनंदा से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, अलकनंदा चल रही देख रहे हैं आप, उससे जब धौली गंगा आके मिलती है तो पहला चीज बन गया विष्णु प्रयाग, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सतोपथ ग्लेशियर करके है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है, वहां से ये जो है ये अल्टीमेटली बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है, विष्णु गंगा कह लीजिए या अलकनंदा आप उसको कह रहे हैं, ठीक है, फिर धौली गंगा आके इसमें मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। जोशीमठ सुने होंगे नाम, जोशीमठ है ना, यस सर, हाँ विष्णु प्रयाग बन गया। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो जो है यहाँ पर नंदाकिनी, नंदा मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंदाकिनी आके मिलती है तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर थोड़ा आगे और आगे बढ़े तो पिंडार आके मिल गई, पिंडार या पिंडार गंगा भी कह लीजिए, कर्ण प्रयाग बन गया। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़े तो केदारनाथ से आ रही है अब, तो देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की नदियों के संगम से ठीक पहले, मिलने से पहले कितना प्रयाग ऑलरेडी बन चुका है, तीन ठो हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग हो गए, इधर ही हो गए, ऐसे याद रखा जाता है सब एकदम क्लियर। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही है, वो जब आके मिलती है तब बन जाता है रुद्र प्रयाग। फिर आगे बढ़िए, फिर गंगोत्री से भागीरथी आके जब मिल जाती है तब बन जाता है देव प्रयाग, और इसके बाद ही ये गंगा बनती है, इसको गंगा कहा जाता है। और जो महाप्रयाग है या जिसे प्रयागराज कहते हैं वो तो आप जानते ही हैं, वहां आप बैठे ही हुए, ठीक है, तो वहां की तो कोई बात ही नहीं, गंगा आगे जाकर जब यमुना से आगे मिलेगी तो प्रयागराज हो जाएगा, इस बात को आप समझ ही गए होंगे। तो उत्तराखंड से बहती है गंगा, उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है और वेस्ट बंगाल में जाती है। क्या कोई बता सकता है कि इसमें गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास, किस राज्य के पास है सबसे ज्यादा, किस लेंथ लंबाई? सर उत्तर प्रदेश के पास। बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद नेक्स्ट, यस सर, नेक्स्ट उसके बाद किसके पास है, बांग्लादेश, याद कर डालिए अभी, बांग्लादेश नहीं रे, मतलब अपने देश में, सर, देश में प्रदेश, बिहार के पास है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा, यूपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर ये उत्तर प्रदेश स्टेटों से होकर गुजरती है जी, सर ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने स्टेटों से होकर गुजरती है, सर ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में, सर कितने स्टेटों से होकर गुजरती है, अरे जिला होगा तो उत्तर प्रदेश में तो जिला होगा ना, ये सर, ये चार स्टेट होते, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, यस सर, या ये पूछा था कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, नहीं नहीं ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। अच्छा ठीक है, अभी गिन लेंगे रास्ते में, डोंट वरी, डोंट वरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई कोई बात, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, ये तो टोटल प्रॉपर है ना, पूरा फैक्ट का तथ्य तथ्य पर प्रश्न है, तो उसमें परेशान नहीं होने का, ये वाला आप देख लीजिएगा चित्र, ठीक है, देखिए कुल मिलाकर देखिए ऐसे, ये है गंगा का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि विश्व के सबसे विख्यात डेल्टा जो है नदी क्षेत्रों में से एक है, डेल्टा ही नहीं नदी क्षेत्रों में से एक है, वो इस प्रकार आपके सामने दिख रहे हैं, गंगा का क्षेत्र आपको दिख रहा है, जल्दी से आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन कौन दाहिने से आके मिल रहा है, कौन कौन बाएं से आके मिल रहा है, ठीक है। तो गंगा क्षेत्र, गंगा की अगर पूछा जाए कि बाएं तरफ से आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो जरा बोलते जाइए तर 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 तर, सबसे पहले कौन मिल रही है आके, देखिए गोमती, गा से बहुत सारे नाम है, गोमती है, घाघरा है, गोमती, घाघरा, गंडक और फिर कोसी, चार याद रखिए, यस, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये याद रखिएगा भाई, बाएं साइड वाले हैं, और राइट साइड से बताइए भाई, दाहिने साइड से मिलना,
सबसे पहले यमुना में, हाँ यमुना में फिर कौन जाके मिल जा रहा है? बेतवा नहीं, चंबल, यमुना में, वो सब यमुना का हिस्सा हो जाता है, फिर यमुना आके मिल जाती है। तो कौन कौन से लोग आके मिलते हैं यमुना से? चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, हाँ केन, सोन, सब आके यहाँ पर जो है मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज आ जाती हैं, ठीक है, वितरणिकाएं आ जाती हैं, फिर उसके बाद जो बांटती हैं आगे जाके। ठीक है, ये चीज हो गई। और मैं इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, गंडक चंबल सबके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वो समय है। ये आपको कभी फिर अगर डिटेल में आपकी इच्छा होगी, मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए बनाया है। मुख्य मुख्य जो बैराज है ये, इसमें भले ही आपको ठीक ना दिख रहा हो चिंता ना करिएगा, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसमें दिख जाएगा कौन सा डैम कहाँ पर किस जगह पे बना हुआ है। कई बार ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सिर्फ वही पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज गंगा यमुना से रिलेटेड है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से होंगे? नदियों की सफाई से संबंधित, ठीक है, नमामि गंगे, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो जरूर जान लीजिए भाई अच्छे से। मेरी बड़ी इच्छा है कि इसको, उस पर आप मास्टर रहिए। फिर ब्रह्मपुत्र को जल्दी से, मैं आपको जल्दी से बहुत कम शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र को अच्छे से समझ लीजिए। याद रखें कि ब्रह्मपुत्र जो है, आप जानते ही हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र पहले पूरा, ब्रह्मपुत्र और सिंध जो है वो एक ही इलाका हुआ करता था, यह आप सबको पहले से मालूम है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है वो ये है, इंडिया में, भारत में जो है वो ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है, अगर देखने पे आ जाइए तो ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये भी हो गया आपका गंगा हो गया, ठीक है, चंबल, राम गंगा, दामोदर, महानदी, महानंदा, ठीक है, तो आ जाइए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है दोस्तों कैलाश मानसरोवर एरिया से ही, आपको बताया था उसमें कि घूंघमा के वहीं से निकल रही है, सब आसपास से निकल रही है, तो कैलाश मानसरोवर वाले ही कैलाश एरिया में, कैलाश पर्वत रेंज में से ही निकलती है। और चेमा यंगडोंग करके उसका नाम है, चेमा यंगडोंग करके जो ग्लेशियर सिस्टम है उससे निकलती है, और सांगपो उसको कहा जाता है, आगे चलकर ये सांगपो का नाम ले लेती है। 1200 किलोमीटर तक दोस्तों, दरअसल इसमें मैं अगर बना पाऊं तो ऐसे बना देता हूं आपको कि जहां से निकली है ना वहां से दरअसल ये हाँ 1200 किलोमीटर तक का सफर ये इस प्रकार ऐसे 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 तय करती रहती, ठीक है, और फिर इंडिया में ऐसे इसकी एंट्री होती है। ध्यान से देखते जाइए, जल्दी से बता देता हूँ आपको, समय कम है हमारे पास, ठीक है। नामचा बरुआ नाम की जगह पर ये चीज जो है यहाँ से वो एंटर होती है, अंदर एंटर हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका एक और चित्र मैंने बनाया था, उससे आपको अच्छे से समझ में आया था ऐसा मेरा विश्वास था, इसलिए मैं वो लेके आया था आपके लिए, अगर मिल जाए तो। हाँ, सीधे पहाड़ वहाड़ देखते हुए करिए ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे ब्रह्मपुत्र एंटर हो रही है, ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा आपको, और मैं इस रंग की ही कलम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ये इस प्रकार से चली आ रही है नदी, यहां से ये देखिए, सब लोग मेरे साथ हैं, देख रहे हैं? जी हाँ, ये देखिए ब्रह्मपुत्र लगभग पैरेलल एकदम चली आ रही है, और फिर यहां से वो एंटर करती है, कौन सी नदी कहलाती है भाई एंटर करने पर? देखिए तो दिहांग नदी, बहुत ही बढ़िया, दिहांग नदी कहलाती है। फिर क्या होता है इसमें आके, कौन मिलता है फिर भाई, ये कौन सी नदी आके मिलेगी इसमें? दिबांग नदी, दिबांग नदी आके दिबांग लो, ठीक है, चलिए ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाइए मैं बाकी चीजें, ठीक है। फिर सादिया नाम की जो जगह है अरुणाचल में, सादिया, ठीक है, अरुणाचल में सादिया नाम, हाँ सादिया के नाम की जगह पड़ती है। उसके बाद फिर वो अपना कोर्स थोड़ा सा वो सीधा करती है, और उसके बाद एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हाँ यहाँ पर दिबांग और लोहित, ये दो नदियां भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं इसकी, दिबांग और लोहित करके दो नदियां इसमें और आके मिलती हैं, ठीक है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, उसके बाद यहां से ही, एक्चुअली अगर सच पूछिए तो यहां से इसको ब्रह्मपुत्र नाम कहना ठीक रहता है, यहां से ब्रह्मपुत्र अपने स्वरूप में जिस नाम में जानी जाती है, दिबांग लोहित सब मिल गए, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ठीक है। उसके बाद दो और नदियां इसकी हैं, धनसारी और बूढ़ी दिहिंग, वो भी आगे आके यहां पर मिलती हैं,
उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जाने रही है बस। ये तो हो गए इस साइड से मिलने वाले, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड से आके मिल रही है ये नदियां। अगर राइट साइड से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो सुवर्णसिरी देखें, एक मिनट, हाँ सुवर्णसिरी नदी आके मिली, ठीक है, फिर कैमेंग नदी, कैमेंग नदी जो है वो आके मिलेगी, ये सब ऊपर से आ रही है। फिर और इधर चले आइएगा तो मानस नदी आके मिलेगी, मानस, ठीक है, ये मानस नदी आके मिलेगी। और एकदम इधर चले आएंगे तो भूटान से आने वाली एक नदी संकोष, संकोष नदी आके यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये क्रम आप हमेशा याद रखिएगा, सब दिया हुआ है एनसीईआरटी का ही सारा कंटेंट, ठीक है। समझने वाली बात इसमें जो मैं आपको चाहता हूँ कि इसमें याद रखेंगे इस चीज को, इसकी इसकी सहायक नदियां तो याद ही रखिए, एक हमेशा न्यूज में रहती है चीज वो मैं चाहता हूँ आप याद रखें, और वो चीज है ये देखिए, सारा बहुत सारे नदियों का ये सब दिया हुआ है इसमें, ये आप एक देख लीजिएगा एक बार कौन सी नदी कहाँ से आके मिलती है, अच्छा मैप है ये, ठीक है। फिर एक रिवर आइलैंड बहुत न्यूज में रहता है, माजुली नदी द्वीप, बहुत बार सुने होंगे, ठीक है, yes, sir. इसके बारे में कृपा yes, करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, नदी के बीचों बीच इसके बनने का कारण क्या है ये कर लीजिएगा, डिपॉजिट्स के कारण या किसके कारण इसमें इसमें क्या क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, अगल बगल कौन कौन सा इलाका है, और इसमें किस प्रकार की जैव विविधता या मानव जीवन से संबंधित कोई स्पेशल चीज है, तो वो इसको समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, इस बात में गड़बड़ी मत करिएगा, छोड़िएगा मत इसको, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको क्या बता दूं, ठीक है, एक एक नजर पहले आज आज हल्के से देख ही लेते हैं, इस पर कोई विस्तार वाली चीज होगी ना तो हम अलग से करेंगे, आप लोग चिंता न करिए कि छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, एक बार पहले देख लेते हैं सारा सारा पे एक बार नजर आपकी चली जाए। गंगा का भी आप देख लीजिएगा, ये सब इसमें चित्र दिया हो, इस सब आपको दे देंगे, वैसे भी आप अपनी एटलस में भी देखेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहाँ से निकलती है कैसे जो है, अलकनंदा आप देख ही रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, ये देखिए ये अलकनंदा यहाँ से जा रही है, गंगोत्री ग्लेशियर आप देख रहे हैं, गोमुख से यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये देखिए पिंडारी ग्लेशियर है, दिख रहा है सबको, मुझे लगता है देखने भर का तो है, हल्का हल्का दिख रहा है पिंडारी ग्लेशियर, ये पिंडारी नदी आके यहाँ मिल रही है ना। फिर देखिए बंद ही कर देंगे ना सीधे, इसलिए एक नजर मेरा देख लेना आवश्यक है, कुछ छूट तो नहीं रही है, ठीक है, लगभग हो गया तो हाँ ठीक है। पिंडारी से निकली तो बताइए जरा, पिंडारी जो है अलकनंदा कुछ जगह पर मिलेगी, वहां पर क्या बनेगा, कर्णप्रयाग, चलो गुड, कम से कम याद रखना ये सब चीजें, ध्यान रखिएगा ठीक है, कौन कहाँ पर इस तरह के रैंडम क्वेश्चन से, देखिए भगीरथी यहाँ से आ रही है, देख रहे हैं ये भगीरथी आके यहाँ अलकनंदा से मिल रही है, तो जहाँ पर भगीरथी जो है वो अलकनंदा से आकर मिलेगी वहां कौन सा प्रयाग बनेगा, देवप्रयाग। इस प्रकार की सारी छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, मुख्य डैम से याद कर लीजिएगा हल्के से जो है, ये कैसे बह रही सब दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई बहुत परेशान होने वाले। फिर और मैं आपको क्या चीज बता दे सकता हूँ इस बारे में, नदी की, हाँ पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है चर्चा का विषय, इसलिए आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, बस इसी से अंत करेंगे इस चीज का जो फिजियोग्राफी में, हाँ स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत इसके लिए नहीं है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात को, ऐसा क्यों होता है जैसे कोसी को, ये दो तीन इश्यूज मैं लेता हूँ और जल्दी से खत्म कर देते हैं इस चीज को, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वो सब आप जानते हैं, क्योंकि इसका कोर्स जो है वो अपना नदी अपना शिफ्टिंग बहुत तगड़े से करती है, ठीक है, इस साल अगर उसका कोर्स कुछ रहा है तो उससे कई कोस दूर, कई किलोमीटर दूर वो जो है वो अगले साल चली जाएगी, इस प्रकार बाढ़ के विषय में प्रडिक्शन करना जो है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है उसके बारे में, और बड़े बड़े मैदान को जो है वो खा जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि कोई नदी जो है वो अपना क्षेत्र, नदी क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में क्यों भाग जा रही है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है,
उसके लिए आपको हल्का सा मैं मैप एक बार और दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन, तो आप उसे देखिए और फिर आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए बता दीजिए। जैसे हाँ गंगा का ही, गंगा का मैं आपको दिखा देता हूँ और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट उस उदाहरण से आपको जानना जरूरी है, इसलिए इतना समय लिया जा रहा है। देखें कोसी का इलाका जो है वो हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, नदी बढ़ रही है, वैसे वैसे ध्यान से इस बात को समझें। देखिए नदी का कोर्स यह है, ठीक है, नदी इस तरफ से आ रही है और शिवालिक कहाँ है भाई, शिवालिक, शिवालिक भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, किसी भी नदी को अपने अंदर जो क्या बोलेंगे अवसाद लेकर वो ऊपर से आ रही है स्पीड से, उसे अच्छे से बैठाने का समय कम मिल रहा है। आप देखें इस बात को, समझें इस चीज को, समझ रहे हैं बात। जैसे एकदम से ढालू है पर्वत, पर्वत क्षेत्र जो है वो एकदम से ढालू है, खड़ा हुआ है, उसके बाद देखिए मैदान जितना ज्यादा मिलेगा, नदी के जो अवसाद है वो धीरे 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 इकट्ठा होते जाएंगे, उतने ज्यादा ही आराम से बैठ जाएंगे ना। लेकिन अगर किसी नदी को समय मिले ही ना, उतना मैदान उपलब्ध ही ना हो कि अभी ढलान से निकले और तुरंत जो है जाके गंगा में मिल जाना है, ऐसी स्थिति में जो अवसाद इतने अधिक हैं, उसका उसकी प्रवणता ऐसी है उसके नदी क्षेत्र की, और उसको समय इतना कम मिल रहा है, उसको लंबाई इतनी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करती है कि उसका जो है वो अनियमित तरीके से जो है उसके अवसाद जो है अवसादीकरण होता जाएगा, और एक जगह भर गया, अच्छा एक जगह भर गया तो शैलो हो गया, छिछला हो गया, भर जाने से छिछला हो गया नदी का क्षेत्र, तो वहां से फिर वो उधर चली गई, फिर दूसरी जगह छिछला हो, भरते 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 छिछला हो गया, अगले साल फिर उधर चला गया। तो अवसादों की अत्यधिक मात्रा, हिमालय से आते समय उसके नदी क्षेत्र, नदी मार्ग की प्रवणता, और जो वेग है जिस वेग से वो उतरती है उसके, और उसके अवसादीकरण के लिए जो है वो सुनिश्चित जो अच्छा एक समुचित क्षेत्र और समुचित समय न मिल जाने के कारण इस प्रकार होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। जाने रही है ये सब चीज, ठीक है। नंबर एक हो गया कोसी के बारे में। नंबर दो कि इस तरफ बहने वाली जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, और जो दो नर्मदा और तापी जो उधर बहती हैं वो डेल्टा उतना अच्छा क्यों बनाती है, डेल्टा बनाती ही क्यों नहीं बनाती, ये प्रश्न बहुत आता है। उसके पीछे आप ये जान जाइए कि डेल्टा बनता क्यों है। डेल्टा तब बनता है जब किसी भी नदी के पास खूब सारे अवसाद हो, नंबर एक, पहाड़ों को काट काट कर जो है उसके पास खूब सारा अवसाद आ गया है, नंबर एक हो गया। नंबर दो, उसके पास फिर वो जो है मैदानी क्षेत्र उसका इतना लंबा चौड़ा हो, इतना अधिक उसके पास समय मिलता हो, उसकी स्पीड इतनी मॉडरेट हो, औसत दर्जे की स्पीड हो जाए कि जो मोटे मोटे बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह हो वो पीछे रह जाए, और जो नदी में सहजता से घुल सकते हैं जिनसे कि आगे डेल्टा बनेगा वो उस नदी के पानी में घुलते 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 घुले हुए ही चले आवे। दो, नंबर तीन, फिर जहां पर नदी खत्म हो रही है वहां पर थोड़ा सा समतल समतल इलाका हो, जहां पर सब बैठ सके अच्छे से, एकदम खड्ड नहीं हो, ठीक है, कोई कोई स्पेशल शार्प फीचर्स नहीं हो,